गौ माता प्रकट हुई। क्या निकली है? गौ माता। गाय को प्रकट करने का कारण केवल इतना था कि गौ माता अगर प्रकट होगी उसके बाद जो विष निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गाय का दूध रोक सकता है, इसलिए गौ माता को प्रकट करना बहुत जरूरी था। उस गाय के दूध में अमृत का तुल्यता का भाव है, अमृत तत्व छुपा हुआ है। महाराज, गाय के दूध में और भैंस के दूध में दोनों में बहुत अंतर है महाराज, बहुत ध्यान रखना। गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध जम के बोलते जाओ गाढ़ा होता है। गाय के दूध में पानी नहीं मिला सकते, भैंस के दूध में पानी मिला सकते। गाय का दूध का मावा खोआ और भैंस के दूध का मावा खोआ, दोनों में अंतर होता है। मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, इन दुकानों में कभी गाय के दूध का मावा नहीं मिलेगा, खोआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गाय के दूध का खोआ मावा ओटाते ओटाते पीला हो जाता है और पीला मावा खोआ कोई खरीदना पसंद नहीं करते, इसलिए भैंस के दूध का खोआ बना दो, मावा बना दो। क्योंकि मिठाई एकदम साफ दिखना चाहिए, मिठाई एकदम सफेद दिखना चाहिए, भैंस के दूध का। पर गाय के दूध में स्वर्ण छुपा हुआ है। महाराज, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज गाय के मूत्र से और गाय के दूध से नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी बीमारी? सारी बीमारियों का इलाज, कितनी बीमारी। हम तो आपसे भी कहते हैं, अगर आओ आप कभी कुबेर भंडारी की इस भूमि पर पहुंचो और कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो तो गौ माता के उस ग्वाड़े में जाकर, गौ माता के उस गौशाला में जाकर प्रयास करा करो कि थोड़ा गोबर उठाकर फेंक ही आए, थोड़ी झाड़ू लगा दें, थोड़ी बुआरी लगा दें, थोड़ा गौ माता को एक ब्रश से आनंद से उनको पुरस्कार दें, कुछ प्रभाव आपके हस्त कमल का, कुछ प्रभाव आपका होना चाहिए। क्यों? गौ माता के नजदीक में जब हम रहें और उनकी सेवा में लगे रहें तो कुछ तो फल जब राजा दिलीप को मिल सकता है तो क्या हमें नहीं मिल सकता? थोड़ी सेवा,